हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माला कुकिंग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ एक सैंडविच बनाने की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में बन जाता है, और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। अगर आपको कम समय में कुछ अच्छा खाने का मन करे तब भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए बॉल्स लिया है, इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्च और प्याज को कट करके। आप इसमें अपने मनपसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च पाउडर, और अब हम अंडे को फोड़ लेंगे। मैं यहाँ पे हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और गैस पे मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए, तो इसमें डालेंगे ऑयल, ऐसे फैला देंगे। अब इस पे से हम डाल देंगे इस तरह से। इसे हम इस तरह से फैला देंगे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा चीज़ ग्रेट कर दूंगी। अगर आपके पास स्लाइस वाले हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और अब इसे साइड से हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ऐसे पलट देंगे। तो ये हमारी ऑमलेट हो चुका है, तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है, ऑमलेट बना लिया है। और बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। इसमें बटर लगा देंगे अच्छी तरह से। हमें दोनों ब्रेड में अच्छी तरह से बटर लगा देना है। तो दोनों में लगा दिया। और यहाँ पे मैं टमेटो केचप ले रही हूँ। आपको जो सॉस पसंद है आप वो इसमें लगा सकते हैं। तो हम इसे दोनों में लगा देंगे। तो देखिए, दोनों में लगा दिया है। ऑमलेट के जो ज़्यादा बाहर हिस्से हैं उसे कट कर देंगे।
तो देखिए साइड से इतने बाहर है, तो इसे हम इसे कट कर रहे हैं इस तरह से। इसे कट करके इसे पे हम रख देंगे। और इसे इस तरह से लगा देंगे। और इसे सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए तवे को मैंने फिर से गर्म कर लिया है। इसमें लगा देंगे बटर। और इसे अब रख देंगे इस तरह से। और इसे अब हम पलट देंगे। इसे दोनों साइड से पलट पलट के सेक लेना है। तो देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह से सीख चुके हैं। जब दोनों साइड अच्छी तरह से सीख जाए तब इसके ऊपर हम थोड़ा चीज़ ग्रेट कर देंगे इस तरह से। और अब इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए प्लेट में रख लिया है। इसे आपको कट करके भी दिखा देते हैं। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। और आए वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप चैनल पे नए हो तो रेड वाले बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल वाले आइकन का भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं इस तरह का कोई नया वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।